देखिए चैलेंज तो रहता ही है। आई थिंक जैसे ही आइडिया सबसे पहले पेश किया गया कि लेट्स डू अ डांस शो ऑन रेडियो, तो वो तो मतलब पहली बार जब आप सोचते हैं तो सोचते हैं ये पॉसिबल भी है कि नहीं है, और अगर हम करेंगे तो फिर किसके साथ करेंगे और कैसे करेंगे, तो सारे सवाल आ गए कि ये कैसे किया जाए। और रेडियो की एक खास बात है कि उसको कहा जाता है कि ये थिएटर ऑफ माइंड है, तो हमने कहा कि जब भी आप रेडियो सुनते हैं आप एक्चुअली रेडियो को सुनते नहीं लेकिन देखते हैं। अगर आप एक गाना सुन रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि ये गाना कहाँ पिक्चराइज हुआ होगा, कौन सा एक्टर एक्ट्रेस वहाँ पर पिक्चराइज होगी। तो इसलिए हमने सोचा अगर थिएटर ऑफ माइंड सच में है तो फिर क्यों ना डांस को भी एक थिएटर ऑफ माइंड किया जाए। डांस इज़ अ फुल आर्ट फॉर्म और उसको रेडियो पर अभी तक कोई लाया नहीं है। इनफैक्ट हम तो एक फूड शो को भी लेकर आए विच इज़ अगेन आप फूड को रेडियो पर कैसे ला सकते हैं। तो देन वी कुड थिंक ऑफ नो वन एल्स बट संदीप। संदीप इज़ एन एक्सपर्ट, ही इज लाइक आई सेड ही इज अचीव्ड सो मच। इनफैक्ट आई वुड से दैट Sandeep, your next step should be to do the moonwalk on the moon. On the moon. Yeah, on the moon. I think that is the only challenge that is left for Sandeep. There's nothing that he hasn't done. And we could think of no one else but Sandeep. And phir puri jo team hai hamari, Radhika hai jo programming head hai, Nisha jo hai, toh hum log sab baithe aur humne kaha ki hum saath mein kaise karein. Aur then Sandeep and the whole team just sat out and we came up with this wonderful idea. How twist करें on radio, जहाँ पे we interview some huge luminaries, experts, जिन्होंने dance के form में अपना नाम किया है, who've kind of achieved so much, तो उनको संदीप लेकर आए and उनके साथ बातें की, उनके साथ dance steps सीखे और listeners को dance steps सिखाए। So I think it was a big challenge, but to convert something so visual into the audio form, hats off to Sandeep. एक्चुअली आई जस्ट वॉन्ट टू से वेरी कॉन्फिडेंटली कि अर्ली कोई हमें चैलेंजेस फेस ही नहीं हुए। आई थिंक सिर्फ वो एक सवाल तब आया जब द जर्म ऑफ द आइडिया हैपेंड कि एक डांस शो रेडियो पे कैसे करें। पर जैसे ही वो पूरी टीम जब हम बैठे संदीप के साथ एंड वी डिसाइडेड कि हम जब क्रैक कर लेंगे, बस फिर क्रैक कर लिया। और फर्स्ट शो जो था, ऑफकोर्स इज द चैलेंज लाइक अ रिलीज ऑफ अ फिल्म, फिल्म रिलीज होती है तो आप सोचते हैं कि पहला एपिसोड या जो फ्राइडे है हाउ विल इट गो, एंड द रिस्पॉन्स वॉज ट्रिमेंडस। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया। लिसनर्स ने हमें फ़ोन करके बताया कि देयर सो मच दैट दे हैव लर्नड अबाउट डांस थ्रू द रेडियो आर्ट, और ये हमें एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। एंड पोस्ट दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो टू बी ऑनेस्ट कोई चैलेंज रियली हमने फेस किया नहीं। आई थिंक इट वाज ट्विस्ट ट्विस्ट एंड ट्विस्ट ऑल द वे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड। तो दिस इज वी जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस शो। हम कभी चाहेंगे नहीं कि ये शो एंड हो। वी आर ऑन द फर्स्ट सीजन एंड आई कैन गारंटी यू दैट देयर विल बी सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 एज लॉन्ग एज संदीप इज विद अस एंड एज लॉन्ग एज वी कीप कमिंग अप विद न्यू आइडियाज कि किस तरह से डांस को आगे लेके जाए। इट्स एन आर्ट फॉर्म, हाउ डू वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, एंड that's what we are always working on. So this is it's all the way. Sir, aapse sawal hai, aaj ek bada din hai aur kaise show mein aap celebrate kar rahe hain, jab aapko bataya gaya tha is tarah ke show ke baare mein, tab aapne kaise visualize kiya, sister ne kaha kaise possible hoga uska, ab ye jo award mila hai kitna ek journey ke baare mein bataya gaya। मैं तो यही बोलूँगा कि सारा क्रेडिट जो है शो का वो निशा मैम को जाता है, राधिका जी को जाता है और सर को जाता है, बिकॉज दे आर द वंस हु प्लान्ड द होल थिंग। मेरी केवल आवाज़ सुनते हैं आप लोग शो पर, एंड यस टू सब दोस्तों को लाना शो पर, उनसे उनकी पर्सनल बातें करना, डांस की बातें करना, बिकॉज मैं सबको जानता हूँ, गेस्ट को पर्सनली काफ़ी सालों से जानता हूँ, तो इसलिए आई थिंक हमारा अलग रैपो बना हुआ है उनके साथ में, तो दे वी कुड टॉक अबाउट डांस अलग अलग तरीके से, और चाहे वो स्टेप्स हों या लाइफ की स्ट्रगल्स हों या क्या सीखा गया उन्होंने, किससे क्या सीखा, ये सब चीज़ें जो डांस के बारे में हैं ये सब मैं जानता हूँ। बट ओनली थिंग इज़ आई वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट ऑन अ शो, और उन्होंने वो किया, एंड सारे आइडियाज़ जो थे ये सब हमारी टीम के थे, एंड आई वॉन्ट टू थैंक देम। एंड आई ऑल्सो टूडे इज़ अ बिग डे,
आई वॉन्ट टू थैंक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इन्होंने इस शो को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन दिया है फॉर बींग द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेडियो डांस शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। एंड हम लोग सब रेडियो नशा की टीम से, रेडियो वन की टीम से एंड फीवर एफएम की टीम से थैंक यू बोलना चाहेंगे टू वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बिकॉज टू गेट द सर्टिफिकेशन इज अ वेरी बिग ऑनर, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर आपने जरा मेंशन किया था क्लासिकल डांसर, बहुत ही सीनियर आइटम के बारे में बता सकते हैं आप थोड़ा? पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी शो पे आए हैं, पद्म विभूषण पद्म भूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी शो पे आई हैं, दे हैव स्पोकन द हार्ट आउट फ्रॉम द रिलेशनशिप्स टू द स्ट्रगल्स टू एवरीथिंग, जज की कुर्सी बैठ करके दे हैव मार्क्ड ऑल डांसर्स ऑफ आर इंडस्ट्री, सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू देम, उनसे मिलना उनके साथ समय बिताना इट इज ऑलवेज सो एक्साइटिंग, इतना सीखने को मिलता है, इतनी जानकारी मिलती है डांस के बारे में और लोगों के बारे में भी, और आई थिंक इस शो पर उन्होंने वही किया और दिल खोल के बात की, आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सॉरी आई वॉन्ट टू एड वन थिंग, ऑल क्रेडिट टू संदीप, कि जो भी हमारे यहाँ गेस्ट जो आए हैं, एक खास बात ये रही है कि उन सब के अपने अपने न्यूएंसेस हैं, वो सब अलग अलग डांस के आर्ट फॉर्म में एक्सपर्ट्स हैं, और उसको भी रेडियो पे लाना, आई थिंक संदीप इज़ डन अ फैबुलस जॉब। आई मीन पंडित बिरजू महाराज जी का अपना स्टाइल है, टेरेंस लुइस का अपना स्टाइल है, कुछ एक्टर्स भी आए हैं, एक्ट्रेसेस भी आई हैं, अमीषा पटेल उनका अलग अपना डांस फॉर्म है, तो उन सबको रेडियो पे लाना और उनके डांस फॉर्म को हाईलाइट करना रेडियो पे, आई थिंक इट्स नॉट ईजी। सो लाइक यू सेड, वन ऑफ द चैलेंजेस, ये भी एक चैलेंज था, बट टू बी एबल टू एक्सप्रेस दैट ऑन रेडियो और लोगों को दिखे वो डांस फॉर्म रेडियो पे, आई थिंक ऑल क्रेडिट टू संदीप। और कौन कौन से गेस्ट शो पे आ रहे हैं आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? माई अदर प्रोजेक्ट्स, ऑफकोर्स देर आर सम बॉलीवुड फिल्म जो मैंने कोरियोग्राफी की है वो आप देखेंगे इस साल, अगले साल रिलीज भी होने वाली हैं कुछ फिल्में, मैं एक फिल्म में एक्ट भी कर रहा हूँ तो आप उसको भी देखेंगे, सो वो इनफैक्ट अभी अमेरिकन फिल्म मार्केट में गई है इस महीने, सो जस्ट प्रे इट गोज़ वेल। इस उम्र में नई शुरुआत कर रहा हूँ तो आई थिंक आप सबका साथ चाहिए, विश्वास चाहिए बस। सर फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही एकदम अचंभे वाली बात थी जब मुझे बोला गया कि भाई अपना संदीप जी का नाम जो है ना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मुझे लंदन से कॉल आया, संतोष जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, दिवाकर जी ने बुलाया, वीरेंद्र शर्मा जी ने बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा। तो पहले तो मैं समझ नहीं रहा था कि ये क्या रेडियो डांस का कैसे कोई क्या कैसे देखेगा रेडियो पे डांस, लेकिन बाद में जब सारी चीज़ें समझ में आई तो मालूम पड़ा कि वाकई में ये एक कुछ चीज़ अलग हटके हो रही है, क्योंकि दुनिया में लोग ये चाहते हैं कुछ अलग हटके हो, और एक्चुअली क्या है होता है ना कि आदमी कदम नहीं उठा पाता एक यूनिक चीज़ करने से, एक अलग हटके चीज़ करने से वो डरता है हर चीज़ के क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। लेकिन संदीप जी हैट्स ऑफ टू यू कि आपने कदम उठाया और आपको इसमें सक्सेस मिली है। फ्रैंकली स्पीकिंग जैसे कि संदीप जी ने बोला है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का थैंक यू बोल रहे हैं वो, सर हमें भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को भी ऐसे ऐसे टैलेंट की बहुत ज़रूरत होती है, और संदीप जी यू डिज़र्व इट, और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं, मैं चाहूँगा कि आपको इस काम में बहुत सक्सेस मिले, और संदीप जी अभी बहुत सारी फिल्में भी कर रहे हैं, एज ए एक्टर भी कर रहे हैं, एज ए कोरियोग्राफर भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर कि इस चीज़ में जो है इनके साथ में जो जुड़े हैं बड़े बड़े कोरियोग्राफर जो कि मैं बोलूँगा दिग्गज लोग, आप जानते ही उन सब के नाम, तो वो इनको उनके साथ में जुड़े हैं संदीप जी के साथ में, तो संदीप जी हैट्स ऑफ थैंक यू वेरी मच, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड आपके साथ में है और ऐसे ही काम कीजिए, आगे भी हम लोग आपको ऐसे ही नवाजेंगे और ऑनर करेंगे आपका, थैंक यू सर।